हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्लास 9th बीहाइव चैप्टर नंबर 4th। माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश बीहाइव चैप्टर नंबर 4 को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, तो चलिए बनी रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, इसके पहले हमने चैप्टर 1st, 2nd, 3rd करा दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जा देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय क्लास 9th, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनके आंसर करा रहा हूँ। तो उसी कड़ी में क्लास 9th आज बीहाइव का चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले चैप्टर के सारे आंसर करा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने सिलेबस को, नोट्स को तैयार करके अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो चलिए, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सही सुंदर दिमाग के बारे में है। और बेसिकली यह चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जो कि एक जीनियस पर्सन कहलाते थे ना। तो चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो आंसर को राइट करने में, समझने में आसानी रहेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को हुआ था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। बाकी एक एक वर्ड मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में उसके आंसर कराने चल रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। इस सब लाइन बाय लाइन आप अगर पढ़े होंगे तो आंसर को समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, और क्वेश्चंस जितने हैं उनके आंसर में आपको चल रहा हूँ कराने। तो चलिए देखते हैं कितने आंसर। देखिए एक्सरसाइज है, इसको एक्सरसाइजेज हैं, इनका आंसर अभी मैं कराऊंगा। और क्या है, देखिए यहाँ पर इतने क्वेश्चंस में हैं, इनका आंसर अभी कराने चल रहा हूँ। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, एक्सरसाइज हैं, उनको लाइन बाय लाइन हम एक एक करके आपको आंसर पीडीएफ के माध्यम से आंसर बताने चल रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का आंसर। ठीक, ये सारे एक्सरसाइजेज हैं, दी जा पोएम नहीं। यहाँ देखिए, देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आ चुका हूँ आंसर वाली स्लाइड पे। बीहाइव क्लास 9 से है चैप्टर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक, इंग्लिश। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट माइंड हियर, हेयर आर सम हेडिंग्स ऑफ पैराग्राफ इन टेक्स्ट, राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ ऑफ फॉर ईच द टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ कुछ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ करके आपको टाइटल बनाना है, और यहाँ पर टाइटल जो दिए गए हैं वो बताना है किस पैराग्राफ से है। तो फर्स्ट वाला दिया गया, देखिए आइंस्टाइन इक्वेशन, पैराग्राफ 9th में है। बाकी इनका आंसर आपको नोट करना है, आपको आंसर ढूंढना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आंसर राइट कर लेंगे और बुक में जाके ढूंढेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखिए फर्स्ट वाला तो 9th पैराग्राफ में है, 2nd 7th, 3rd का 3rd पैराग्राफ में, 4th वाला 10th पैराग्राफ में, 5th वाला 15th पैराग्राफ में है, 6th वाला 8th एंड 7th का 11th नंबर पैराग्राफ में है। ये देखिए इनका आंसर है, बहुत आसानी से आपको मिल गया। लेकिन हाँ, बुक में आप इस पैराग्राफ को सर्च कीजिए ताकि आपको भी अपने आप समझ में आए। हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट द आइंस्टीन, देखिए आइंस्टीन के बारे में क्या क्या ओपिनियन है। ही वॉज बोरिंग, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ही वॉज फ्रीक। तो इसमें क्या ओपिनियन दिया गया था, आंसर देखिए, आइंस्टीन प्लेमेट थॉट दैट ही वॉज बोरिंग। अब बोरिंग कौन समझता था, उनके दोस्त लोग बोरिंग समझते थे आइंस्टीन को। आइंस्टीन हेड मास्टर्स थॉट दैट ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड एट एनी थिंग्स इन लाइफ। और स्टूपिड कौन समझता था, आइंस्टीन के हेड मास्टर जो थे उसको मूर्ख समझते थे आइंस्टीन को, और कहते थे कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, और लास्ट वाला क्वेश्चन है, ही वॉज फ्रीक, फ्रीक मीन्स होता है एसेंट्रिक टाइप पर्सन, सनकी। और कौन कहता था वो सनकी थे, आइंस्टीन मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रीक, सन की टाइप, उनकी माँ सोचती थी कि वह एक सन की टाइप पर्सन है आइंस्टीन। ठीक, आपको आंसर मिल गया, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर्स,
अब देखिए जो दिया गया है इसका रीजन क्या है पूछा जा रहा है। आइंस्टीन्स लिविंग द स्कूल्स इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टीन्स वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिक, ठीक। आइंस्टीन सिंग अ मिलेवा एंड एलिस, व्हाट डू दिस आर टेल यू अबाउट आइंस्टीन। सारा फोर क्वेश्चन है, फोर के रीजन बताना है आपको। पहला क्या है, आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, अच्छे के लिए मतलब पढ़ने के लिए। म्यूनिक लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में जब पढ़ रहे थे तो स्कूल छोड़ देते हैं। रीजन, आइंस्टीन लिव्ड द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। देखिए स्कूल के नियम कानून को नफरत करते थे इसलिए छोड़ दिया, इसका आंसर मिल गया। आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी स्विट्जरलैंड, अब आइंस्टीन स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहते थे रेदर देन म्यूनिक, म्यूनिक की अपेक्षा। यह क्यों है, इसका आंसर नोट करेंगे। आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक बिकॉज इट वॉज अ मोर लिबरल सिटी, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है काफ़ी लिबरल मीन्स स्वतंत्र सिटी माना जाता था, अच्छा शहर माना जाता था कहने का मतलब। और थर्ड का आंसर देखिए, थर्ड का क्या कहा, आइंस्टीन सिंग इन मिलेवा एंड एली, एली का मतलब एक दोस्त, मिलेवा से मिलते हैं। आइंस्टीन फाउंड मिलेवा एंड एली बिकॉज सी लाइक हिम, एली कौन थी, मित्र कौन थी, एक महिला मित्र थी, वो फ्रेंड बनती है, वो क्यों लाइक करते हैं क्योंकि वह उसके जैसी थी। डिसअप्रूव ऑफ फिलिस्टीन्स आर द पीपल्स हु डिडंट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक, और आइंस्टीन के ही तरह सोचने वाली थी वो, मीन्स फिलिस्टीन थी, फिलिस्टीन का मतलब जो ज़्यादा मॉडर्निटी लिटरेचर म्यूजिक को पसंद ना करे, ठीक। दीज फोर्थ का आंसर है, व्हाट डू दीज आर टेल यू अबाउट आइंस्टीन, सभी आइंस्टीन के बारे में क्या बोलते थे। दीज टोल्ड अबाउट आइंस्टीन दैट ही लव्ड फ्रीडम, कहते थे कि फ्रीडम से प्यार करता है। ही वॉज लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन, एक कल्चर्ड और स्वतंत्र और उदार और एक सभ्य पर्सन है, ऐसा लोग बोलते थे। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया आंसर, नोट कर लेंगे एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, वाई, आंसर क्या है इसका। आइंस्टीन कॉल डेस्क ड्रॉवर एट पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉवर वॉज वेयर यूज टू स्टोर इन सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज, ठीक। तो डेस्क ड्रावर को क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बोलते थे, ठीक। फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, रोजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट टू वार्न अबाउट बम इफेक्ट एंड आल्सो वांटेड टू इंकरेज देम टू मेक अ बम टू यूटिलाइज डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल, क्यों लिखा, बम इफेक्ट के लिए लिखा और इंकरेज किया, दे मेक बम टू यूटिलाइज इट डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल, और इंक्रेज किया कि इसकी पोटेंशियल को और यूटिलाइज किया जाए, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाशकारी क्षमता को यूटिलाइज करो इसको, तो आंसर नोट कर लेंगे। और सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो आइंस्टीन नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया, परमाणु बम, इस पर क्या रिएक्ट किया था। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाई डिजास्टर इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो इस घटना से बड़े ही आहत हुए थे, बहुत ही अंदर से हिल चुके थे। ही रोट पब्लिक मिस यू टू यूनाइट, उन्होंने लोगों को कहा कि यूनाइट एक हों। ही प्रपोज टू इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन, और उन्होंने सरकार को सुझाव दिया, प्रस्ताव भेजा कि न्यूक्लियर वेपन को बंद किया जाए। आई होप आप समझ गए आंसर को। चलिए सेवंथ नंबर, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, क्यों ऐसा सोचते थे, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन, दुनिया आइंस्टीन के बारे में सोचती थी कि वर्ल्ड सिटीजन थे, मतलब विश्व के नागरिक के रूप में, एक किसी एक के पर्सन नहीं थे, ऊपर पूरे वर्ल्ड के व्यक्ति थे।
आइंस्टीन ऐसा क्यों? आइंस्टीन इज रिमेंबर एज अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज जीनियस साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टुवर्ड वर्ल्ड पीस डेमोक्रेसी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जीनियस, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो कि दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी के प्रति एफर्ट लगातार प्रयास करते रहे। एंड फॉर हिज क्रूसेड अगेंस्ट यूज ऑफ आर्म, और खतरनाक युद्ध के वीपन्स औजारों के प्रयोग के खिलाफ थे वो। तो आई होप नोट कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर आर सम फैक्ट फ्रॉम द आइंस्टीन्स लाइफ। देखिए आइंस्टीन लाइफ से जुड़े हुए कुछ फैक्ट दिए गए, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। चलिए हम अरेंज करके बताते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए अरेंज वे में राइट किया गया है, आइंस्टीन बॉर्न जर्मन सिटी में जन्म हुआ है, अटेंड द हाई स्कूल म्यूनिक, फिर फैमिली मूव मिलान, टायर्ड स्कूल्स रेजिमेंटेशन, चलिए 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, आई होप इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इस तरीके से यह सीक्वेंस वाइज हमने मैच कर दिया है, यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं है लेकिन आंसर को आपको ऐसे ही राइट करना है, ठीक 1, 2, 3, 4 इस वे में। तो आगे बढ़ते हैं, 10, 11, 12 यह भी है आगे। इस तरीके से एक लाइफ क्रोनोलॉजी मीन्स जीवन के उनके टाइम के साथ साथ कैसे कैसे घटनाएं घटी नंबर वाइज करके, तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। थिंक अबाउट द लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, इसको आप रीड कर लेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज है, लेकिन इसका आंसर आपको मिलेगा हमारे यहाँ पर। देखिए जब मैं रीड कर देता हूँ, अच्छा हेयर आर सम सेंटेंसेस फ्राम द स्टोरी, स्टोरी से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, चूज द वर्ड फ्राम द ब्रैकेट विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ सेंटेंस के आगे जो ब्रैकेट में दिया गया है, इसको आप अप्रोप्राइएट सेलेक्ट करना है, जो कि हमने सेलेक्ट किया है आंसर के माध्यम से। देखिए बिकेम वीक, इसमें बिकेम वीक सेलेक्ट होगा, और सेकंड में देखिए आंसर देखिए डिक्लेयर, चलिए आंसर आप डायरेक्ट नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। इन डिस एग्रीमेंट, सेकंड में डिक्लेयर्ड, फोर्थ में कंपेनिंग, फिफ्थ में परमानेंटली, सिक्स में इन अ स्टेट ऑफ कमोशन, सेवन्थ में इंटरेस्टेड। ठीक इस तरीके से आपका आंसर राइट हो जाएगा, एक एक ऑप्शन करेक्ट चुन लेंगे। देखिए यहाँ पर फिल करना है आपको, फिल करना है क्या क्या वर्ड, आंसर के माध्यम से आपको नोट कर लेना है। ठीक देखिए आंसर के माध्यम से नोट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर हमने नोट किया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह रहा आपका राइट आंसर। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा, अगर सच में आपको अच्छा लगा हमारा प्रयास तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने नोट्स को तैयार करें और हाँ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।